I tag TV YouTube channel and press the notification button. सदर ट्रंप जाते जाते कुछ ऐसे काम करके जा रहे हैं जो आने वाली कोट अनकोट सॉफ्ट स्पोकन रजीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको रिवर्स करना। एक तो वो टर्की पर हथियारों की खरीदो फरोख्त के सिलसिला में सैंक्शन लगाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ चाइना के बारे में जो सख्त लैंग्वेज है वो जाते जाते दिनों में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती चली जा रही है ताकि आने वाली सॉफ्ट स्पोकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ तो दिक्कत हो, उनको कुछ तो मसला हो रिवर्स करने के लिए। ये हैं आज के हमारे सुपर चैट के मुद्दे, ब्रेन बस में मेरे साथ और डॉक्टर रणवीर शारदा के साथ। बातचीत शुरू करेंगे हम इसराइल से और फिर आएंगे चीन पे और उसको जोड़ेंगे अमेरिका और इंटरनेशनल सूरत हाल के साथ। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको पता है बहुत ही शॉर्ट इंट्रो देता हूँ। जो असल मुद्दा है वो ये है कि सदर ट्रंप वाकई ही ये टफ जाते जाते और कॉल्स देते जा रहे हैं जो आने वाली रजीम के लिए रिवर्स करना मुश्किल होगा। टर्की से बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि टर्की एक ऐसा कंट्री था जो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज माना जाता था वर्ल्ड में इकोनॉमिकली, हाँ जी, एंड ट्रेवल वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो। और वो बस मेंबर बनने वाला था यूरोपियन यूनियन का जब एर्डोगन जो हैं वो आ गए प्राइम मिनिस्टर बन के, और टर्की ने अपना सारा किया कराया जितनी मेहनत की थी फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स, जब वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था उससे ऑनवर्ड जितनी भी उन्होंने तरक्की की थी वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक खाया खोद कर उसके बीच में फेंक दी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, अगर आपने ज़िंदगी में आगे तरक्की करनी है, वो बिल्कुल, मैं जब गया यूरोप में तो एक पार्ट था इटली में से जहाँ पर वो सामने नज़र आता था, दरिया के उस पार वो नज़र आ रहा था कि जी ये सामने जो है ये अपना टर्की है। टर्की का यूरोपियन यूनियन के साथ रहना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और टर्की का अपने आप को नाटो से बाहर निकाल लेना, निकाला नहीं है ऑफिशियली। जी जी, वो तो नहीं निकलना चाहते, वो अमेरिकन कह रहे हैं। नहीं, अमेरिकन ने तो बैन लगा दिया, आपने कहा ना वो सोच रहे हैं। नहीं, उन्होंने बैन लगा दिया है कि यू कैन नॉट बाय। देखिए, सबसे पहले उसने ट्रंप साहब ने क्या किया था आपको याद होना, स्टेल्थ F-35 जी जी, जो कि सब नाटो के बिल्कुल ठीक मेंबरों के पास जाने थे, राइट है, वो इन्होंने बैन कर दिया। या वो 2019 में बैन कर दिया, राइट, कि इनको नहीं हम देंगे, बात खत्म हो गई। उसके बाद टर्की ने जो भी काम किए हैं वो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज किए हैं, नाटो का हिस्सा होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की ख्वाहिश रखने के बावजूद। वो पैसे की वजह से शामिल होना चाहते थे ना। देखिए, पैसा अगर आप, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टर्की इज वन ऑफ दी परहैप्स मोस्ट वेल इक्विप्ड इंडस्ट्रियल कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। जी, लेकिन जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं उस ढंग से आगे नहीं वो उनकी बढ़त होगी, वो पीछे ही जाएंगे, हाँ जी, या वहीं पर उन पर स्टॉप लग जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा पीछे जाएंगे, उन्होंने एक और रिवर्स किया टर्की ने, वो इसराइल को बड़के लगा रहे थे बड़े अरसे से, फिर उन्होंने 2 साल पहले अपना एम्बेसडर भी वहाँ से निकाल दिया, राइट, उन्होंने कहा जी कि हम इसराइल रेसिस्ट कंट्री हम नहीं जाएंगे। अभी इसी हफ्ते फिर एम्बेसडर को वापस भेज दिया। वैसे तो बड़के अपनी जगह पे है, ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह पे होती है। इसलिए कि देखिए, अगर इनकी पास हिस्ट्री देखिए, जब 1949 में टर्की ने रिकग्नाइज किया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितने में हमारे दर्शक हैं कि इसराइल 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, ठीक, और 11 मई 1949 को यूनाइटेड नेशंस में, जिस वक्त सिर्फ उस वक्त 57 कंट्रीज थे, उन्होंने इसको 2/3 मेजॉरिटी से मेंबर बनाया था, और टर्की वाज वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर एट दैट टाइम। टर्की ने इसराइल से बहुत फ़ायदा उठाया इन 60s, 70s, 80s में, राइट, क्योंकि जो भी इसको इक्विपमेंट मिलता था
जी वो इक्विपमेंट में बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि इसराइल एक्सपर्ट है उसमें, जी जी, तो इसराइल इनकी हेल्प करता था। अब आप आर्मामेंट्स की वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं टर्की में, उनको इस्टेब्लिश करने में इसराइल ने बहुत हेल्प की। अब ये समझें कि रशिया उनको आगे वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देगा, रशिया का तो आप अपना बहुत बुरा हाल है। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये इजाफा करूँगा कि रशिया के साथ भी टर्की के कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। आर्मीनिया आज़रबाईजान के इशू पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसलिए कि रशिया आर्मीनिया की साइड करता है और ये आज़रबाईजान के साथ है, और आर्मीनिया आज़रबाईजान फॉर्मर सोवियत यूनियन के दोनों हिस्से होते थे। मुझे इत्तेफाक से दोनों में जाने का कई बार इत्तेफाक हुआ। तो मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर साहब ये जो सारा मंजर देखा कि इवन सेंट्रल एशिया के जो उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान में, वहाँ पे रशियन कम्युनिटीज़ और टर्किश कम्युनिटी की आपस में बनती नहीं थी, कभी भी नहीं बनी। नहीं, शुरू से नहीं बनी। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने कम से कम 1.5 मिलियन आर्मेनियंस को मार दिया था, टर्की में जो रहते थे, जो बिजनेस मैन थे, क्योंकि आर्मेनियंस वाज ए रिच कम्युनिटी लिविंग इन टर्की एंड दे वर किल्ड लिटरली। जी, आर्मेनियन जेनोसाइड, इसलिए उसको जेनोसाइड कहा जाता है। ये जेनोसाइड हुआ था, जिसको अफसोस वाली बात है कि अमेरिकन रिपब्लिक, अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, उन्होंने 2019 में जाके एक रेजोल्यूशन पास किया था। राइट। उससे पहले 2013 में उन्होंने रिकग्नाइज किया, 2010 या 2013 में रिकग्नाइज किया था जेनोसाइड। लेकिन इतने साल लग जाते हैं कई बार लोगों को ये महसूस करने के लिए कि टर्की की हरकतें क्या। आपने ना बात की रशिया के साथ, रशिया के साथ उनके ताल्लुक अच्छे नहीं है, लेकिन रशिया के पास इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। इकोनॉमिक कंडीशन जब बुरी होती है तो फिर आदमी इधर उधर हाथ पांव मारता है, इसलिए वो अपने जो छोटे मोटे उसके पास हथियार है वो बेचने की कोशिश करता है दुनिया में हर कंट्री को। और गैस बेचते हैं, दो उनके बड़े सोर्स है। दो ही उनके पास है जी। अच्छा, दैट्स नंबर वन। दूसरा, सीरिया के मसले में भी टर्की और रशिया दे डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर। कुछ इश्यूज पे ये एग्री कर जाते थे, हाँ, कुछ इश्यूज पे एग्री नहीं करते थे। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ही रशिया के एम्बेसडर को इस्तांबुल में गोली मार दी गई थी। ठीक है, मतलब इस तरह के इनके हालात है। अच्छा, अब मैं ज़रा इस मुद्दे पर आता हूँ कि मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि क्यों ये जा रहे हैं इसराइल के पास। एक तो अमेरिकन टेंशन बढ़ गई है, सदर ट्रंप जाते जाते एक और धचका दे के जा रहे हैं ताकि आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोई बात ही सख्त करना नहीं चाहती, एक्शन शायद लेना चाहेगी। नहीं, ये तो आप देखिए, ये तो अभी सरकार बनी नहीं। मैं समझता हूं, में उनके जब बनेगी तब वो देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि टर्की के मामले में जी वो दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि टर्की जो है ये एक मोहरा बन के, हाँ जी, मुस्लिम मूवमेंट का मोहरा बन के वर्ल्ड के सामने आ रहा है, और उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मोहरे को वो अब किंग नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब, एक तो खैर वो किंग बन जाए कोई, अगर उसके पास ताकत हो। देखिए, दुनिया में वो फ्रैंकली वो जो डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक वो किंग है, वर्ल्ड का किंग नहीं। सॉरी ताहिर साहब, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम वर्ल्ड। नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड तो खैर खुद तुर्की को नहीं मानती, वो तो खैर आप छोड़ दीजिए। मुस्लिम वर्ल्ड का तो वो एक कंट्री दूसरे को नहीं मानता। मैं वही बात करने लगा था, ये इसराइल के पास इसलिए जा रहे। अभी आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले तुर्की ने लिटरली गालियां दी थी यूएई को, सऊदी अरब को, जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को। सऊदी अरब ने ऑफिशियली तो नहीं किया, लेकिन वो वैसे ही सऊदी अरब को लताड़ता रहता है, लेकिन यूएई को लिटरली गालियां दी थी इसी अर्दोगान ने। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं कि सऊदी अरेबिया का कोई भी नागरिक इसराइल में विदाउट वीजा जाके ट्रेवल कर सकता है। ये हालांकि वो ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी इमेजिन करिए कि इसराइल ने पहला कदम ये उठाया कि एनी सऊदी अरेबियन जी कैन एंटर इसराइल विदाउट वीजा, वीजा विल बी गिवन एट द एंड। वरना के इसराइल का वीजा लेना दुनिया में वन ऑफ द बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, वो शायद उन कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट टास्क है जिनके इश्यूज हैं। जैसे भारत का वीजा
दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो बड़ी इजीली मिल जाता है, लेकिन जरा पाकिस्तानी लेकर दिखाए, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप कैसे है। हाँ, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर भी देखिए, ऑफिशियल रिलेशनशिप ना होते हुए जी, एम्बेसडोरियल एक्सचेंज ना होते हुए जी, इसराइल ने जो ये काम किया है ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि सर मनी टॉक्स फ्रेंडली। यस, हाँ, ये हुई ना बात, ठीक है ना जी? पैसा फेंक, पैसा देख तमाशा, ठीक है ना? ये तो पूरी दुनिया की रियलिटी है, ठीक है? और उनको ये पता होता है कि जब ये पैसे वाले लोग होंगे तो उन्होंने क्या बम फाड़ने हैं, वो तो अपने पैसे की हिफाजत के चक्कर में होंगे ना। क्या अगर पैसे की बात ही हो रही है जी जी जी, तो ऑफ कोर्स टर्की का जो इशू है ये तो चलते ही रहना। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टर्की पर जो प्रेशर था अमेरिका का, तो एक तो ये था कि ये इसराइल के साथ उन्होंने कहा कि एम्बेसडर अब वापस भेज दें। सेकेंडली, टर्की इस बात से बहुत नर्वस हुआ है कि सऊदी अरब, यूएई इसराइल के साथ प्यार की पींगें उनकी बढ़ रही हैं और वो अकेला हो गया, ठीक है? वो असल में इनको भी मैसेज देना चाहता है अपनी तरफ से, और दुगान जो है वो कई वो पत्ते खेलता रहता है। 2002 में ये आया था शख्स, 2002 से आज 2020 तक, बल्कि 2021 आने वाला है, इसने काफी तुर्की का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैंने सारी गो थ्रू किया जी। पहले 5 साल में इसने शुरू किया काम, और अगले 10 साल में तो इसने बर्बाद कर दिया जी टर्की को। टर्की वाज वन ऑफ दी, मैं कहता हूँ, लोग कहते थे कि जाना तो इस्तांबुल जाना जी जी, वर्ल्ड में किसी को पूछा जाता था। मैं सर अब टर्किश एयरलाइन नहीं लेता, मैंने कई बार लिया टर्किश एयरलाइन। ये हाल था, ये ऑन रेकर्ड है, यहाँ टोरंटो में रहने वाले इवन पाकिस्तानी लोग मैं जानता हूँ, इवन पाकिस्तानी जो तुर्की के बड़े गीत गाते हैं किडनैप हो गए, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका हुआ है। बिल्कुल, आपकी सही बात है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार गया जी, तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर, तो उन्होंने वो टिकट जो है मेरी बगैर पूछे हुए एक्सचेंज करवा दी। वो कहते नहीं, आप इस्तांबुल, मैंने इस्तांबुल में रुकना था 5-6 दिन, दिल्ली से आ रहा था। उन्होंने कहा नो, यू विल नॉट गो टू इस्तांबुल, क्योंकि टिकट मैंने किसी वजह से उनके वीज़े कार्ड पर ली थी, राइट, और मुझे वहाँ से उन्होंने मेरी टिकट बदल के, हाँ जी, वाया यूरोप, उनको बेहतर जगह से, वाया यूरोप से, हाँ जी, यहाँ पर। मैं, मेरी बड़ी इच्छा थी जिंदगी में इस्तांबुल देखूँ। कोई ज़माना था लोगों को पूछा जाता था विच सिटी यू वॉन्ट टू सी, बड़ा खूबसूरत शहर है, मैं एक बार गया हूँ। तो दो कंट्री सबसे पहले, दो सिटी सबसे पहले आते थे, एक पेरिस और एक रोम, ये दो कंट्रीज थे जो दुनिया कहा करती थी। इंग्लैंड, न्यूयॉर्क तो चलो अपने आप में एक अलग चीज थी, हाँ, लेकिन ये दो कंट्री जिनको वो कहते थे कि हमने जाके विजिट करना है। पिछले 40-50 साल में इस्तांबुल का नाम बहुत आगे आ चुका हुआ था, लेकिन अब देखिए, टर्की में अगर वहां पर 2 मिलियन लोग जाते थे, अब 1 मिलियन ही जाते होंगे, जी, बड़ा नुकसान हुआ। टर्की का नुकसान तो अभी और होगा आने वाले टाइम पे, अगर एर्डोगन साहब ऐसे बने रहे। लेकिन जो असली नुकसान हो रहा है, देखिए, जो आर्मी वाले होते हैं ना, जी जी जी, हाँ जी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये कहूँ कि आर्मी वाले जो है वो कई बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा करते हैं, आई डोंट फील लाइक सेइंग दैट, क्योंकि आर्मी वाले बड़े इंटेलिजेंट कई होते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में हमने देखा है आर्मी वालों ने जब जब भी रूल किया है, उन्होंने उस कंट्री को बर्बादी की तरफ लेके गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, जितने भी वहाँ पर सो कॉल्ड डिक्टेटर्स आए आर्मी में से, उन्होंने पाकिस्तान के भले के लिए बहुत अच्छे काम नहीं किए, नुकसान ही नुकसान किया। आप तो वहाँ थे उस जमाने में, यहाँ भी बैठे के नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब वो डिक्टेटर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ओह, एब्सोल्युटली, आर्मी हर जगह। अब इनडायरेक्टली जब कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो एक, जो आपको आगे भी हमने डिस्कस किया था CPEC, $60 बिलियन जी कागजों में, हाँ जी, लिख दिया चाइना ने, और $60 बिलियन का चाइना ने कहा कि आप आर्मी के हाथ में कंट्रोल दे दो, विच मीन्स कि चाइना इज कंट्रोलिंग दैट होल एरिया नाउ। बिल्कुल सर, वो पिस्सू पड़े हुए ना, इसीलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मैं आपको बताऊं। ये सबसे बड़ी बात है, उससे इंडिया पर क्या इफेक्ट होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि CPEC जी अब कंट्रोल जो है रोड, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट, वो चाहे आर्मी का उन्होंने बना दिया हेड, लेकिन वो हेड नहीं है, हेड जो असली बनेगा वो तो चाइना का रूल होगा ना। जी जी जी, वो ऑलरेडी बैठे हुए, ये तो केयर टेकर है ना बंदा। हाँ,
वो आसिम सलीम बाजवा जॉन पिज़्ज़ा जॉन्स वाले वो उनको उनको ठीक है नहीं, हाँ वो मतलब उन्होंने अपनी को पिज़्ज़ा की चेन बना लिया दुनिया भर में जो भी कमीशन मिशन वहाँ से ले वो सके तो, वो तो उनकी श्रीमती जी के नाम है ना। ठीक है वो कहते हैं मेरे नाम नहीं। हाँ ठीक है मेरा मतलब है कि वो बन गए और उनकी उस चेन्स के बारे में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ हर रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे होते हैं। खैर वो अपनी जगह पर डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैंने भी कहा कि वो पिसू पड़े हुए इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है और मैं ये बात बड़े महीनों से बल्कि कोई ऑलमोस्ट दो सालों से कह रहा हूँ। नहीं आपने आगे भी कही जी इमरान खान के इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये पिसू पड़े हुए हैं। इमरान खान और बाजवा की जोड़ी आई इस तरह इसलिए थी कि ये आपको ज़हरा ज़रीन लग रहा है कि ये चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट इमरान खान और बाजवा ये चाइना की गोद से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये मैं अब आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो अंदर और जर्नैलों की टोली बैठी हुई है जिन्होंने कमीशनें खाई हुई हैं जिनके इंटरेस्ट हैं वो चाइना की गोद में जाना चाहते हैं। आपने पिछले ही संडे को नवाज शरीफ की तकरीर सुनी तो उसमें उन्होंने कहा कि इस सरकार ने चीन से अपने तल्लुकात खराब कर लिए हैं। अब तीन बार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहने वाला आदमी लास्ट संडे को कहता है कि सरकार ने, तो वो कन्फर्म करता है मेरी बात को। चूँकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो चाइना की गोद में है, ये मैं बात आपको बता दूँ, और सऊदियों की भी गोद में है। डॉक्टर साहब दुनिया में दो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं। सऊदी तो चलो उनके रिश्तेदार है ना। नहीं रिश्तेदारी का सर मामला नहीं, ये सर मफादात का मामला है, इंटरेस्ट का मामला है। ठीक अच्छा वो उनके, लेकिन नवाज शरीफ इसके बावजूद यहाँ मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। दो बातें तो ये हैं कि ऑपोजिट पोल हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब प्योर अमेरिकन के साथ अलाइंड है, आजकल चाइनीज अमेरिकन के साथ अलाइन नहीं है। अब आने वाली रजीम क्या करती है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ नहीं। तीसरा जो उसमें मोड़ है वो ये कि नवाज शरीफ ये भी चाहते हैं, ये भी एक रियलिटी है कि मैं किसी तरह से इस मुल्क में ये फौजी जो है ना शिकंजा इसको मैं लूज करूँ, लूज करके। उससे पहले भी कोशिश की है। हम ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को डॉक्टर साहब नहीं देख सकते। देखिए एक बात तो है ताहिर साहब, जब भी उन्होंने कोशिश की आर्मी ने उनको गद्दी से उतरवा दिया या उतार दिया। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि आर्मी ये नहीं पसंद करती कि उनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर वो किसी तरीके से भी कम हो। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है जी वो अगर आर्मी के हाथ में है, आर्मी के जो जनरल्स हैं वो डेफिनेटली चाइना के हाथ में है। रीज़न मैं जो मैं समझता हूँ, आपके पास डीप रीज़न होंगे, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो अमेरिका जो है वो उसने हाथ पीछे कर लिए, सऊदी अरेबिया जो पैसे देता था उन्होंने मांगने शुरू कर दिए, $1 बिलियन पिछले हफ्ते इनको देना पड़ा, फिर देना पड़ा वापस, कुछ महीने पहले भी दिया है, हाँ वापस देना पड़ा। तो जब वो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं तो उनके ख्याल में गलतफहमी है कि शायद चाइना जो है वो हमें पैसे देगा। ये वो भूल गए कि चाइना से बड़ा मतलब चाइना से बढ़िया सौदेदार और सौदागर कोई नहीं है। तो चाइना से उनके अपने मुताबिक, हालांकि डॉक्टर साहब सौदा होता है दो पार्टियों के बेनिफिट में, वरना नहीं। वो सौदा कामयाब नहीं होता, सिरे नहीं चढ़ता। मैं आपको ये बता दूं पर वो तो सिरे चढ़ा रहा ना चाइना, तो वो इसीलिए सिरे नहीं चढ़ रहा। आपने इंडिया का इफेक्ट पूछा, मैं उसकी तरफ आता। डॉक्टर साहब देखिए ये जो सऊदी अरब की चाइना के साथ भी रीजनेबल तल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है, लेकिन सऊदी अरब एंड गल्फ स्टेट्स विल डेफिनेटली अलाइन विद अमेरिका। जब अमेरिका प्रैक्टिकली टफ होगा चाइना के साथ तो ये अमेरिका के साथ जाएंगे। अब भारत के साथ इनकी शराकत दारी बढ़ रही है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की, डेफिनेट ठीक है वो बहुत बढ़ रही है। माजी में मैंने पास्ट में कभी इतनी शराकत दारी सामने नहीं आई, अच्छे रहे हैं इनके तल्लुकात, लेकिन दिस इज द अनप्रेसिडेंटेड टाइम। द रीजन इज वेरी सिंपल एज फार एज आई अंडरस्टैंड एंड लास्ट टाइम आल्सो वी डिड डिस्कस दिस थिंग कि बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट व्हिच इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स and they particularly feel that India is a growing country, India is a consumer country, and whatever we invest here that will ultimately be very beneficial to our people and to our country. Definitely that's why aaj ke time ke upar they have already invested more than $100 billion just one country, whereas UAE has already promised $35 to $40 billion to be invested in India. Right, jab itni badi rakme jo hain wo aane wale 5-10 saal mein इन्वेस्ट होगी इंडिया में, वहां पर उसका जो प्रॉफिट है वो तो इनके पास जाना ना, ऑफ कोर्स दे विल गेट बेनिफिशियल। अच्छा फिर
उनकी जो डिपेंडेंसी है अपॉन ऑयल वो कम होगी. जब डिपेंडेंसी कम होगी दे विल हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, दे विल हैव डिफरेंट चैनल्स टू वर्क विद. और मैं ये समझता हूँ कि ऑयल जो है उसकी तो डिमांड ज़रूर आने वाले 10-15 साल में कम होनी होनी है जी. लेकिन जो नेचुरल गैस है जो कि कतार के पास बहुत है, जो कि यूएई के काफ़ी मतलब कंट्रीज़ के पास बहुत है, उसकी डिमांड दिनों दिन बढ़नी है क्योंकि ये समझा जाता है कि वो लेस पोल्यूटेड है देन गैस. तो उसका जो इस्तेमाल है जितना हिंदुस्तान में हो सकता है, और हिंदुस्तान में आने के लिए कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है. बिल्कुल ठीक. हाँ जी, इट्स जस्ट ओनली 4-5 आवर्स. हाँ जी, और शिप अगर होगी तो 8-10 घंटे ले लेगी. दे कैन कम देयर, क्योंकि हिंदुस्तान को जरूरत है नेचुरल गैस की टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. राइट. एंड दे वांट टू गो अवे फ्रॉम द कोल. राइट. डॉक्टर साहब देखिए, ये तो मैंने वही बात की ना कि म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं तो बिजनेस लॉन्ग टर्म वर्क करते हैं, अदरवाइज वो फिर बिजनेस नहीं रहता, वो कॉलोनाइजेशन हो जाती है. जैसा कि पाकिस्तान के केस में चाइनीज कॉलोनाइजेशन साफ नजर आ रही है. वो तो कर ही रहे. अच्छा, लेकिन अब उस कॉलोनाइजेशन का फिर वही सवाल, दोबारा मैं उसकी तरफ आता हूँ कि भारत को नुकसान क्या होगा. मेरे हिसाब से लोग कहते हैं भारत को ज्यादा नुकसान होगा, कुछ कहते हैं, मेरे हिसाब से भारत को कम नुकसान होगा, इसलिए कि पाकिस्तान वीक होगा. ठीक है, चाइना का जो थ्रेट है भारत के लिए वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है ना. पाकिस्तान का थ्रेट एक एक्स्ट्रा है वहाँ पर भी. ताहिर साहब, लेटेस्ट खबर अभी कुछ घंटे पहले ही आई है कि पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वो तकरीबन 99.9% सेटल हो गए हैं, और अगले वीक जब मीटिंग होगी, मतलब चाइना और भारत के, चाइना और भारत के 99.9%. बट आई डोंट ट्रस्ट चाइना, लेट मी टेल यू दैट. वो तो साइन करके भी, कल भारत के एक आर्मी जनरल ने जो उस बॉर्डर लाइन के, मुझे उनका नाम बोल रहा है, जो ईस्ट साइड के हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, जी जो मतलब वहां के कमांडर है, जो उन्होंने भी कहा है कि हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका हुआ है, साफ कहा है. मैं कहता हूं आप साइन भी कर लो. ठीक है, जितना बढ़िया पीसफुल ट्रीटी है नेहरू ने और चाइना ने साइन की थी, चीनी हिंदी बाय बाय, तो बाद में उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया. तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना पे एतबार करना सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है, और पाकिस्तान को कब अकल आएगी ये मुझे नहीं पता, आएगी भी या नहीं आएगी. लेकिन पाकिस्तान को अकल आ जाती है तो इसका उनको फ़ायदा होगा, अगर अकल नहीं आती तो बहुत नुकसान उनको ऑलरेडी हो रहा है और नुकसान होगा. चूँकि देखिए, चीन, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर फलां डीम $33 बिलियन से भी ज़्यादा दिए, वो तो ऑन रेकर्ड है ना, $33 बिलियन. लेकिन उसके मतलब इन रिटर्न कोई किसी की गिची भी उन्होंने अंगूठा नहीं रखा हुआ, फ्रेंकली, मतलब कुछ किसी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया कि हुआ. 3-4 कोई एयर बेसिस मांगते थे, ठीक है, ख़ासतौर पर एक एयर बेस जो थी वो उनकी ज़्यादा थी, ये उनको तंग करते रहे. उन्होंने कहा भाई अपने पास ही रख लो, तो हम अफगानिस्तान जोड़ के आ जाएंगे. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों वो भी काफ़ी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए, कि हमने CPEC बार 2-3 बार की है, ये जो CPEC की अब 60 बिलियन वाला जो प्रोजेक्ट, जी इसको थोड़ा सा, हाँ जी, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताइए इन डिटेल में कि कैसे वहाँ पर क्या क्या होना. CPEC में $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें शामिल है कम्युनिकेशन, वो चाइना के मुस्लिम प्रोविंस से लेके ग्वादर तक, वहाँ से ये कराची तक, और इवन लाहौर में अभी एक ऑरेंज ट्रेन चली है, मेट्रो चली है, वो भी उसका हिस्सा है, वो वन रोड वन बेल्ट, वो CPEC में ही आता है. अच्छा, वन रोड वन बेल्ट जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड वाइड है, बाय द वे, वो अफ्रीका में भी हर जगह. CPEC पाकिस्तान के साथ ही खासतौर पर था, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ठीक है, वो इनका CPEC जो था ना वो पाकिस्तान के साथ था. अच्छा, उसमें इन्होंने जो अब तक का पैसा लगाया, सिंक्यानिक से ग्वादर तक की सड़क बनी है, उसके बाद की जो सड़कें बनी हुई थी उनको ठीक करना था, ब्रॉडन करना था, बीच में फिर इमरान खान ने रोक दिया था. जब इमरान खान की सरकार बनी थी तो ये रोक दिए गए थे, जिससे चाइना बहुत अपसेट रहा है, प्रैक्टिकली रोक दिए गए थे.
वाह क्या बात है, ठीक है ना, कि वो अच्छा। इससे पहले पंजाब में आपको याद होगा, पाकिस्तान के पंजाब में आज से कोई 6-7 साल पहले 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, राइट। तो शहबाज शरीफ ने बड़ी मिनते करके कमिश्नर मिशन खिलाकर एंड खाकर, लेकिन अच्छा काम हुआ। डॉक्टर साहब कमी वहाँ तो कमिश्नर खाने के बाद भी पिज्ज़ा चेंज बन जाती है, काम नहीं होता। ये भाई काम किया करते थे, काम भी इन्होंने मोटरवेज बनाए हुए पाकिस्तान के, ठीक। इन्होंने ये मेट्रो ट्रेन चलाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होता है ना, जो भी मुल्क हो, चाहे आप उधार लेके बनाएं चाहे आप जेब से बनाएं, वो तो चाहिए होता है। आप क्या करें, आप इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए थे जिससे अब लोड शेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हुई है। ये आवाम को एक रिलीफ था। क्या बात, मतलब ये देखिए आवाम कहती है कि वो जिसे कहते हैं ना चूल्हे में जाए सब कुछ, सानू रोटी तो दियो बत्ती तो दियो, तो इन्होंने रोटी बत्ती गैस दी इनको, ये एक रियलिटी है। अच्छा, अब चूंकि अमेरिकन नहीं खुश थे, इमरान साहब और बाजवा की जोड़ी आई, ये बहुत ही नई किस्म के लोग हैं, इन्होंने ये इनको जरूर खतरा नजर आता था कि ये तो चीनों में खा जाएगा, इन्होंने रोक दिया था सारी। जब रोक दिया तो उसके बाद फिर अमेरिकन ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का, नहीं पहले एक साल तो ये 2-3 बार अमेरिका गए जी मिलने, हाँ, भी मिले ट्रंप साहब से, बड़ा कुछ किया। पहले ट्रंप साहब ने तो इनको झाड़ा जोड़ा बहुत ट्विटर पे, इनको जैसे कहते हैं मिरर दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि ये है तुम्हारी औकात, ये किया उन्होंने ट्विटर पे। फिर उसके बाद जब ट्रंप साहब को समझाया लिंडसे ग्राहम और उन लोगों ने कि सर जी इनकी जरूरत है, ये अफगान की स्टॉक है, ये वो, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आओ हम इनको पचकारेंगे। वो पचकारते ही रहे कि यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, टका नहीं दिया उन्होंने। ये एक ऑन रेकर्ड रियलिटी है। अच्छा, फिर अब ये इनके पास भी अब हम अपना पाँव इनके जूते में डालें, इनकी लाइकी अपनी जगह पर, अब इनके पास क्या चॉइस रहे। फिर ये चीन के खिलाफ आए थे, तो चीन के ये गुन गाने लगे, तो चीन ने कहा कि वी डू नॉट ट्रस्ट यू गाइस, ठीक है। अब ऐसा ही होता है ना सर माफिया के खेल में, तो कि आपका ट्रस्ट खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ये माफिया का खेल है ना। वहां तो माफिया है ही नहीं, नहीं नहीं यही माफिया है ना, वही मैंने कहा माफिया में तो माफिया ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वी डू नॉट ट्रस्ट यू गाइस, ठीक है, चूंकि आपको जैसे ही कहीं इधर उधर से मिलेगी और शायद, तो चूंकि हमारे जो दूसरे कोर कमांडर हैं पाकिस्तान आर्मी के, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं जो हमारे साथ हैं, और हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अब इनको आगे कहा। अच्छा, अब तक सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम ये समझते हैं जैसे मैंने पीछे कहा कि हर चीज़ वाइट ब्लैक एंड वाइट होती है, ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ ग्रे एरिया में। अच्छा, चाइना ने अपने मसल्स अभी टेस्ट किए इंडिया के साथ, उनको नहीं अंदाजा था कि इंडिया ये 62 वाला इंडिया नहीं है। जब उनकी ये जो थी ना टिकटॉक ऐप और बाकी ऐप्स, जब उनकी बैन हुई 100 से ज्यादा ऐप्स, तो उनको पता चला, चूंकि सब दुनिया तो आजकल ये हाईटेक की इकोनॉमी तो हाईटेक में बैठी हुई है ना, तो उनको पता चला कि इंडिया कैन डू दिस मच, इंडिया कैन गो टू दिस। अच्छा, इंडिया ने बेशक आप कहते हैं और भी कहते हैं जी कि रिलेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर जरा वीक है चाइना के, काफी भी अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मैं इंडिया के नौजवानों को सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बुरे हालात के बावजूद डॉक्टर साहब उन्होंने डट के मुकाबला किया। अब चाइनीज को ये आइडिया हो रहा है कि यार ये इंडिया के साथ तो अब ये क्वाड भी है, यूके जा रहा है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है ना, नहीं सर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये यूके के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, नहीं ये बीच में जब लेबर पार्टी वार्टी आई थी तो नहीं अच्छे रहे थे, आप क्या बातें कर रहे हैं। लेबर पार्टी ने तल्लुकात बेड़ा गर्क कर दिया था, ये जर्मी कॉर्बिन वगैरह ये लोग जब इक्तदार में, कॉर्बिन तो इसीलिए पावर में नहीं ना आया डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ रहे ना कुछ अरसा ये लेबर पार्टी तो रही ना, ये कॉर्बिन शुक्र उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था लेबर पार्टी के जमाने में, ये तो फिर जब अपोजिशन में गए हैं तो ये बना था ना हेड ऑफ द पार्टी बना, ठीक है, लेकिन बहरहाल लेबर पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया था। नहीं नहीं, लेबर पार्टी जो है बेसिकली उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से उनका दिमाग नहीं काम करता, जिस तरीके से आप कह लें कि लिबरल पार्टी कैनेडा काम करती है, नहीं नहीं काम नहीं करता, इनका भी काम नहीं करता दिमाग और उनका भी दिमाग। मैं ये मौजू हम नेक्स्ट वेनसडे डॉक्टर साहब लेकर आएंगे आपके साथ, बड़ा कमाल है ये, ठीक है, लिबरल पार्टी जैसे यहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम हम चूंकि अपने व्यूअर्स को आज बता दें कि नेक्स्ट वेनसडे को हम ब्रेन ब्रश लेकर आएंगे, चूंकि अगला फ्राइडे हमारा क्रिसमस का है जो हम कभी नहीं खुलते,
और उससे अगला फ्राइडे जो होगा वो न्यू ईयर डे का होगा, वो भी हम बंद होंगे। लिहाजा नेक्स्ट दो जो हमारे एपिसोड्स हैं ब्रेन बर्स्ट के, वो वेनसडे को होंगे। और डॉक्टर शारदा जब आपने ये कहा वेनसडे को होंगे, तो हम ये भी बता दें कि हमें बातचीत करते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, टैग टीवी वाले भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये टैग टीवी ताहिर साहब का नहीं है, ये आपका अपना टैग टीवी है। इसलिए मेहरबानी करके ज़रूर टैग टीवी डॉट इन्फो पर जाके आप उस बटन को दबाएं जिस बटन से राइट हैंड को आपको मिलेगा, जिससे आप जो चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। मैं ये आपको ना क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ, देखिए कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो तभी तक चल सकती है जब तक आप उसको फाइनेंशियली चला सकते हैं। अगर फाइनेंशियली कल को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि आपने सारे जो पैसे हैं वो इस पर लगा दिए, मॉर्गेज उठा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी इनकम नहीं बन रही, दैट मीन्स कि यू हैव टू थिंक एंड रीथिंक वेदर वी शुड कंटिन्यू और नॉट। दिस चैनल विल कंटिन्यू, ये मैं आपको श्योर करता हूँ, चाहे हम अपनी जेबों से पैसे डाल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मदद है वो हमें बहुत एक तो उत्साहित करती है, हाँ जी, हमें प्रेरणा देती है, दैट्स नंबर वन। दूसरा हमें ये पता लगता है कि आप भी उसी तरह फैमिली के मेम्बर हैं और उसी तरह आप भी वरिड हैं जैसे हम वरिड हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चैनल जो है और फले फूले, बड़ी जल्दी न्यू ईयर में आप देखेंगे कि बाकायदा इंग्लिश में भी आप हमारी डिस्कशन सुना करेंगे, इंग्लिश में भी डिस्कशंस होंगी। इस वक्त हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी ये सब इस्तेमाल करके आपसे बात करते हैं। प्लीज़ ये जब हमारा प्रोग्राम लाइव होता है तब तो आप पेपाल पे कर ही सकते हैं पे, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त भी अगर आप चाहें तो आप टैग टीवी डॉट इन्फो, जी डॉट इन्फो की वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आल्सो यू कैन डोनेट। सो वी विल अप्रिशिएट, आई विल रियली अप्रिशिएट कि नए साल का आपका जो वायदा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैंने 5, 10, 20, 30, 50,000, 1,00,000 रुपया, $100, $200, $500 जो है अगले साल इनको डोनेट करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसे चैनल्स हैं, एक चैनल का मैं नाम लेता हूँ जिसको PBS कहते हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, वो 50 साल से वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स देता है डॉक्यूमेंट्रीज, जी हाँ जी, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सिर पर चलता है जो आप जैसे हैं, जो ये महसूस करते हैं कि ये चैनल जो है ये चलता रहना चाहिए। और ये टैग टीवी आपका अपना है चैनल है, आप अगर महसूस करते हैं कि ये चैनल चलता रहे तो आप आज जो अगले 20-25 मिनट हमारे पास हैं उसमें मैक्सिमम डोनेट करिए ताकि ये चैनल नंबर वन बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज तक हमें कंट्रीब्यूट किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और होपफुली दे विल हैव ए वंडरफुल क्रिसमस, वंडरफुल न्यू ईयर, एंड कमिंग ईयर दे विल बी हेल्थ प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री होंगे, दे वॉन्ट हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, वैक्सीन हैज़ कम, सो गेट वैक्सीन एज सुन एज यू कैन, एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हमेशा याद रखिए नंबर वन इज़ यू एंड योर फैमिली, सो टेक केयर ऑफ दैट, एंड दिस टैग टीवी इज़ योर फैमिली, that's why I am insisting on family, tag tv is your family, so please take care of this member of the family also. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मैसेज दिया। मैं थोड़ा सा इसमें और इजाफा कर दूं कि टैग टीवी इस वक्त कोई 7 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और हम अपनी ऑलरेडी जो हमारी ब्रॉडकास्ट टैग टीवी के प्लेटफॉर्म पे है वो 30% के करीब इंग्लिश की ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट होती है, जो हम भारत से शोज़ आते हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। अब जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है इंक चैनल के नाम से, वो तो खैर प्योर ही 100% इंग्लिश ब्रॉडकास्ट हमने शुरू कर दिया पार्शली, और हमारी ये है इच्छा कि नेक्स्ट स्प्रिंग तक हम उसको
लॉन्च कर दें आईपी बॉक्सेस में 24/7 की स्ट्रीमिंग, और इसके साथ साथ जो आप यूट्यूब का चैनल है इसको देख रहे हैं, यहाँ पर भी डोनेट का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, सब अपने दोस्तों मित्रों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम क्वेश्चन लेना शुरू करें दोस्तों के, सुपर चैट कर रहे हैं और सुपर चैट में एक मकसद यही भी है कि हम दोस्तों की जो कमेंट्री है, क्वेश्चन है, फैमिली है, जो फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं आखिरी जुमला ये कहता हूँ कि देखिए, इस सारे के बावजूद अगर ये दो बातें हैं कि भारत को कितना खतरा है, वो तो रहेगा, ये कहा जाए कि खतरे के फरीक भारत रह लेगा, वो तो अमेरिका अलग थलग रहता है दुनिया के एक हिस्से में, वो इसको चैलेंजेस रहते हैं। आप देखिए 9/11 उन्होंने कहाँ से आके कर दिया, बिल्कुल ठीक है ना, तो चैलेंजेस तो रहते हैं। लेकिन भारत मुझे 2021 में, अगले साल में कुछ और प्रोग्रेस करता नज़र आएगा, कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं मुझे, इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमिक्स के मैदान में भी और अपनी स्ट्रेंथ के मैदान में भी। देखिए, बेसिकली क्या है कि जब कंट्री एक इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ से उसको ऊपर उठना होता है, क्योंकि इकॉनमी पिछले 2-3 साल में काफ़ी नीचे गई है, इसलिए इकॉनमी ने ऊपर उठना है, क्योंकि कंज्यूमर वो सैचुरेशन पॉइंट होते हैं, कंज्यूमर कंट्री है, कंज्यूमर कंट्री। मैं इससे पहले कि हम क्वेश्चन में, मैं आपसे ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट बात कर सके। जी, मैं बता देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि जिस हम उघर की बात करते हैं, उस मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं, उस मुस्लिम मतलब प्रोविंस की बात करते हैं जो कि चाइना में है, वहाँ पर जो कॉटन होती है वो 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस होती है, 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, उसमें से जो अमेरिका में आपको पता कॉटन बहुत यूज़ होती है, कैनवस शूज़ में और बड़ी चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 20% to 25% जो यूनाइटेड स्टेट्स का यार्न है जी, वो इस कॉटन से बनता है। ओके, और यहाँ पर कोई 8 लाख उघर्स जी जो हैं, उनको ज़बरदस्ती स्लेव बना के कॉटन मतलब खेतों में लगा के कॉटन इकट्ठी की जाती है। मैं हैरान हूँ, मैं आपसे ना ये बार 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 आगे भी पूछी, फिर पूछता हूँ, क्या वजह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ की आंखें नहीं खुलती, औरों का ज़रा सा कुछ हो जाए हिंदुस्तान में तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हैं यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है तो वहां पर तो कोई नहीं बोलता। मैं इस पे चला चला के डॉक्टर साहब थक गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बात इसको समराइज करता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये जो जिनको उगर मुस्लिम से भी कहा जाता है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इनको ज्यादा वीगर मुस्लिम के नाम के तौर पर जाना जाता है, तो जो वीगर मुस्लिम हैं बेचारे, ये पहले तो 1 मिलियन से ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स में पड़े हुए हैं, फिर ये लाखों की तादाद में एक तरह से जो है ना वो कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, जो क्या उसको कहते हैं लेबर भी, ये लेबर ही है ना वहाँ पर भी। देखिए, ये कॉटन फील्ड की ये लेबर है, लेबर है, और इसके अलावा ये प्रिसाइजली एक तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में उनको सबक पढ़ाए जाते हैं ना कि कुरान नहीं पढ़ना, दाढ़ी नहीं बढ़ानी, फैक्ट्रियों में, हाँ जी, वो सारे का सारा। अच्छा, वो क्यों नहीं बोल रहे? अब इमरान खान को तो वो जैसे होता है ना कि वो एकदम से नॉजियाटिक रहता है कश्मीर के नाम पे, उसको तो अपना वो वीगर मुसलमान तो दूर की बात है, जो बंगाली मुसलमानों को इन्होंने मारा था आज तक कभी माफ़ी मांगी है? चले जी, वो तो बंगाली थे, अलग कंट्री हो गया, इनको इनके साथ गद्दारी की कोट अनकोट। जो बेचारे बलोच रहते हैं वो भी तो मुसलमान है ना, जो सिंधी रहते हैं, जो पश्तून रहते हैं, जो अपना मुहाजर हैं, ये भी तो मुसलमान हैं, कभी इनके खिलाफ ये बोलने तो मतलब होता है, इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है सुबह शाम। अच्छा, फिर जो आप मुसलमानों की बात करते हैं, जब इनको पैसा मिलता था तो यही पाकिस्तान की आर्मी जाके फलस्तीनियों को मार के आती थी, वो भी मुसलमान होते थे ना। कुर्द मुसलमान जो हैं वो 4 मुसलमान कंट्री, सीरिया, तुर्की, इराक एंड ईरान, चारों मार रहे हैं फॉर द पास्ट 70 ईयर्स। ठीक है ना जी, ना उससे भी ज्यादा। ठीक है मैम, चले मैं मतलब जो हमारे रिकॉर्ड में है, आप हिस्ट्री में जाइए। ठीक है, अच्छा वैसे तो खैर कुर्द भी एक जमाने में वो सलाहुद्दीन अयूबी
वाले होते थे ना, ठीक है, मतलब हिस्ट्री किसी की अच्छी नहीं है डॉक्टर, मैं आपको ये बात बता दूं। मैं नहीं, मैं ऐसे ना इससे पहले कि हम क्वेश्चन लेने शुरू, एक सवाल सरोज मेरे माइंड में बार बार आता जी, वो मेरे दिमाग से निकलता नहीं, मैंने वो ने उस स्टेटमेंट खुद सुनी जी। इमरान खान को पूछा गया कि आप चाइना के जो ये मुस्लिम है वहाँ पर है कोर्स्ड लेबर जो उन्होंने बॉन्डेड बनाई हुई है उसके बारे में आप कभी कुछ नहीं, नहीं उसने कहा वो हमारे मित्र है, मैं प्राइवेटली बात करता हूँ। ये मैंने अपने अपने डॉक्टर साहब उसी इंटरव्यू में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी इंटरव्यू में दो बातें की, उसने पहले ये कहा कि आई डोंट नो, तो रिपोर्टर ने कहा कि रियली डोंट नो, तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो हम आपस में करते होते हैं बात। फिर उसने ये कहा कि वो उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है वो जरा डिफरेंट है, ठीक है। ये तो खैर एक थर्ड क्लास आदमी है जिसका नाम इमरान खान है, मतलब डॉक्टर साहब इससे पहले वो नवाज शरीफ आते थे, वो भी जहादियों को मदद करते थे, इसलिए करते थे कि वो पाकिस्तान आर्मी ऐसा चाहती थी, लेकिन कभी इतनी स्टूपिड बातें नहीं किया करते थे, ठीक है। कुछ साल में दो स्टेटमेंट आती थी, पढ़े जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है ना जी, मतलब उसको बाल करने की अकल होती है, मतलब क्रिकेटर, वो क्रिकेटर और बिजनेस, ये तो हीरो आदमी है, हीरो है, डफर है, सारी उम्र, सारी उम्र जी लेडीज की पार्टी अटेंड करता रहा जी, और अब वो सबसे बड़ा मुसलमान बना बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा चले जी, चले जी, आप में कोई चेंजेस आ जाती हैं लाइफ में, आई डोंट केयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जो भी किसी की हो, लेकिन कोई बात तो अक्ल की करो, कभी इस शख्स से किसी भी सब्जेक्ट पे आपको अक्ल की बात सुनने को नहीं मिले। चलिए अब डॉक्टर क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं जी, क्वेश्चंस हमारे प्रोड्यूसर शिवम लखनपाल जी दे रहे हैं। एलियन इन सर्च ऑफ जस्टिस यूट्यूब का अकाउंट है, उनका क्वेश्चन है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट एन अलायंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पॉलिटिशियंस, एनजीओस, कॉर्पोरेट मीडिया एंड बार काउंसिल, दे आर नेवर टॉक अबाउट जस्टिस, हाउ लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल ओवर इंडिया। जी डॉक्टर साहब आपके लिए क्वेश्चन, देखिए बेसिकली क्या है, इसका जवाब तो आप भी दे सकते थे, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये कहना कि ये सारी की सारी संस्थाएं इकट्ठी हो गई हैं, ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। डेफिनेटली जब गवर्नमेंटें आती हैं वो अपना इफेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डालने की कोशिश करती हैं, उनकी अपने एक फिक्स्ड पॉलिसी होती है, उस पर वो एजेंडा होता है, उस पर वो काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए जस्टिस दो किस्म का होता है, एक जस्टिस होता है आम आदमी के साथ और एक जस्टिस होता है पर्टिकुलरली कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोर्ट्स में अभी भी जस्टिस मिलने की बहुत आस होती है। मैं एक रिसेंट आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आजकल फार्मर्स की जो है वो एक मूवमेंट चली जी, हुई है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले उस वहाँ पर किसी ने वो चाहते थे कि फार्मर्स की मूवमेंट को रोका जाए, उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन टू प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज पीसफुल, दैट्स नंबर वन। नंबर टू उन्होंने कहा कि हम इनको रोक नहीं सकते। नंबर तीन उन्होंने कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाकर आपस में, जिससे उसके बाद जो तोमर हैं जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी टोन बदली है। आज भी उन्होंने कहा कि हम एक एक इशू को डिस्कस करेंगे एंड आई एम रेडी एंड आई एम ओपन एंड इनडायरेक्टली वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द फार्मर। सो मैं ये समझता हूँ कि कोर्स जहाँ तक है जी, ब्यूरोक्रेसी एक बात याद रखिए, ब्यूरोक्रेसी हमेशा फॉलो करेगी रूलिंग क्लास को, बात खत्म। ऐसा है भी डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में, और ऐसा भी है कि रूलिंग क्लास भी बाज़ ब्यूरोक्रेसी को ही फॉलो करती है, जो लेगेसी चली आ रही होती है उस पर चलता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ज़्यादा फ्रॉम 1947 से ऑनवर्ड्स जी ब्यूरोक्रेसी ने गाइड किया है पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस आर बीइंग गाइडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स रादर देन पॉलिटिशियंस गाइड द ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियंस बेचारों की जो होती है ना लाइफ, मतलब वो बहुत थोड़ी होती है पॉलिटिक्स में, 10-15-20 साल, ठीक है ना, पॉलिटिक्स में, और वो भी 10-15-20 साल में भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो परमानेंट नहीं होते ब्यूरोक्रेट पूरी दुनिया में। एक आदमी ने ना मुझे पूछा, 30-35 साल रहना, एक आदमी ने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान को किसने बदला, मैंने कहा ब्यूरोक्रेट ने, कहते कैसे, मैंने कहा 1991 में ब्यूरोक्रेट था मनमोहन सिंह, उसको पकड़ के लाए वर्ल्ड बैंक से जी, उसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया।
वो टेक्नोक्रेट थे डॉक्टर बेसिकली, वही हाँ मतलब ब्यूरोक्रेट हुआ ना, हाँ नहीं नहीं जरा फर्क हो जाता है ना, वो ब्यूरोक्रेट दुनिया में इसीलिए दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी बनी हुई ना टेक्नोक्रेट्स की ब्यूरोक्रेट्स की, मैं भी उनको एक ही ठीक है, वो आपकी मर्जी है जो मर्जी आप करें ठीक है। अब मनमोहन साहब के बारे में आपने बात छेड़ दी तो मैं जरूर बात करूंगा, इकोनॉमिक्स की दुनिया में वो बहुत जानू आदमी थे ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इनॉर्मस है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं और जो और हैं उनमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, नहीं, नहीं उनकी एक्सपर्टीज भी नहीं थी, उनकी चलती भी नहीं थी, क्योंकि ही वाज एक्चुअली ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ सोनिया गांधी, ठीक है सर, तो वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, मैंने एक ही बात किया, मैंने उनकी अच्छी बुराइयां बुराई पे नहीं किया, मैंने बताया कि 91 में जो इंडिया का नक्शा बदला जी हाँ जी, जो आज जिसका फायदा उठाया जा रहा है वो नक्शा उस वक्त बदला, ठीक है, वो 91 में उनकी पॉलिसीज जो उनकी उससे पहले भी चली आ रही थी उनको लेकर चले, साल ठीक है ना, उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर जो काम कर दिया ना वो बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो अगर ना ओपन होता तो शायद, लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी शेजी जी रेगुलर कंट्रीब्यूटर है, हाउ डू पाक रोल इन अफगानिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम अफगान जिहाद पॉजिटिव नेगेटिव टिल नाउ एंड फ्यूचर, डू यू थिंक चाइना विल बिहेव लाइक हिटलर आफ्टर डिफीट ऑफ एवरीवन सेटल पास्ट डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया। देखिए बात भैया ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान में वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहा वो उनके अपने जिसको वो अपने इंटरेस्ट समझते थे उसके मुताबिक रहा, अब पाकिस्तान पर उनका इतना ज़्यादा वो जो है ना कंट्रोल, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इस सिलसिले में रिसेंटली कुछ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको मिल जाएंगी, एक अमेरिकन डेमोक्रेसी थिंक टैंक है उनकी आप देख लीजिए, या एक ग्लोबल पॉलिसी एक थिंक टैंक है वो आप देख लीजिए, मुझे सिर्फ दो के नाम याद आ रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स agreement between Taliban and Afghan is going to take place definitely ji doctor agreement ho to ho chuka hai us pe amal nahi ho raha jo unki clauses hain agreement to doha ka ho chuka hua acha trump sahab ki ichha hai ki 20 january se pehle ye agreement jo hai ye baqaida ji और इफेक्टिवली लागू किया जाए, वो उनकी लेगेसी ये छोड़ना हाँ, चाहते हैं वो तो खैर लेगेसी तो उन्होंने ऑलरेडी बना ली है हाँ, लेगेसी तो इजराइल अरब वर्ल्ड में तल्लुकात की, कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के साथ तल्लुकात की, क्वाड को स्ट्रॉन्ग करने की, डॉक्टर साहब माने ना माने नॉर्थ कोरिया का कौन था, नॉर्थ कोरिया तो आज भी भपकियाँ मारता है, नहीं वो डॉक्टर साहब मारता रहे लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें सॉल्व हो गई हैं 100%, चीज़ों को बिगिन करना होता है कहीं ना कहीं से, और वो शुरुआत जैसी तैसी भी हैं वो हो चुकी हैं, वरना ये जापान साउथ कोरिया की रोज एक एप्लीकेशन अमेरिका को आ रही होती थी, हमें चीजों को ना रियलिटी पे देखना पड़ेगा, हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर सिर्फ नहीं जा सकते, एक बहुत बातचीत और हाँ उनके सवाल का जो असली जो सवाल था जी हिटलर का, देखिए मैं दुनिया भैया बदल चुकी है बहुत ज्यादा, अब सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो जो हिटलर बनने वाला अमल है वो ख्वाहिश तो होती है ईवल फोर्सेस के अंदर कि हम वैसा ही काम करें जैसा किया था, लेकिन जब वो करने को आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, चाइना ने ट्राई की भारत के साथ हिटलर बनने की ट्राई थी ना, तो उनको पता चला कि नहीं आगे भी मसल है, अमरीका के साथ ट्राई की, तो ट्रंप साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह की सैंक्शंस लगाई हैं ड्यूरिंग द पास्ट वन ईयर, उनको थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि इट्स ए टफ वर्ल्ड, तो वो बनना तो चाहेंगे, कोई भी डिक्टेटोरियल माइंडसेट वाला बनना तो चाहेगा, लेकिन फिर आगे रेजिस्टेंस अब मौजूद है और दुनिया में अवेयरनेस मौजूद है, तो इसलिए शायद एग्जैक्टली अब कोई भी हिटलर अगर होगा तो वो मुमकिन नहीं है, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुझे ना ये जिंग जो है जी, ये जो प्रेसिडेंट जी, जिंग जी, है जी, ये मुझे हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक साबित नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड का जो प्रेशर है राइट, इनका अपना ही जो राइट हैंड इनका साथी है रशिया, दे विल नॉट अलाउ जिंग जी टू बिकम राइट दी डिक्टेटर और हिटलर, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, दे वोंट अलाउ, चूंकि हिटलर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था, जर्मनी को, तो जर्मनी को हुआ प्लस रशिया को, नहीं मेरा मतलब यह कि चलिए बाहर के तो आप कर ही दें नुकसान, आपकी इच्छा है,
कि हमने आउटर वर्ल्ड को नुकसान करना है। अगर आपके स्टूपिड और ब्रूटल एक्टिव एक्टिविटीज की वजह से आपका ही पट्ठा बैठ जाए, या बिल्कुल, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा बेवकूफ तो कोई नहीं है ना। नहीं, वो बेवकूफ तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं चलता, ठीक है ना। वो बाकी अब यही मसला है कि चाइना की जो खुद जो डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिट ब्यूरो है टॉप की जो होती है, वो उनको ये आइडिया है कि अब हम कारोबारी बन चुके हैं, हमें कारोबार करने दें, अब हम ये डिस्ट्रक्शन नहीं देख सकते। अगले का एक दो सवाल लेते हैं ताकि हम मूव ऑन हों। ह्यूमन बीइंग 23, आर यूके, फ्रांस, कैनेडा फास्ट गेटिंग इस्लामिसाइज हो रहे थे? यूके तो निकल गया बाहर ब्रेग्जिट से इसी वजह से, फ्रांस की स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ कैनेडा चूंकि एक मतलब नई नई ये जो हमारे छोकरों की हुकूमत है, मैं तो ये साफ खुल के कहूँगा, अपोजिशन में भी छोकरे हैं, सरकार में भी छोकरे हैं, और ये हरकतें कर रहे हैं। ये भारत को समझते हैं कि ये शायद कोई ना 1947 वाला भारत है। अब भारत में शुरू हुआ एक काम नया, क्यूबैक की उन्होंने बात शुरू कर दी है मीडिया में। मैं समझता हूँ फ्रांस के मैक्रन साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिस ढंग से उन्होंने इस्लामाइजेशन के अगेंस्ट काम शुरू किया, किसी लीडर की हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है, इवन ट्रंप की भी वैसी हिम्मत नहीं पड़ी, ना जॉनसन की। ही हैज स्टार्टेड दैट, ही हैज मूव्ड, ही इज मेकिंग इट लीगल, एंड ही वांट्स टू से एंड फाइंड इट आउट ईच एंड एवरी जो वहाँ पर मॉस्क है उसकी बकायदा उनके पास रिपोर्टें आनी चाहिए, एवरीथिंग। आई थिंक आप देखेंगे कि इंग्लैंड को खतरा है फ्यूचर में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत मुस्लिम रहते हैं, फ्रांस में भी रहते हैं, लेकिन कंट्रोल करने में जिस ढंग से ये दो कंट्री हैं, कनाडा तो गया, कनाडा तो चूडो था बल्कि जो दूसरे लीडर हैं अपोजिशन के कंजर्वेटिव पार्टी वो तो उससे भी खराब निकले, ठीक है ना। वो तो अब कनाडा हमारा बहुत ही प्यारा कंट्री है, हम इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए कि चाहे हम आम लोग हैं, नोबडी हैं, लेकिन हमें बहरहाल चैन से तो नहीं बैठना, हम तो चाहेंगे में आम लोग ही मैटर। डॉक्टर साहब, मुझे ना एक एमपी ने, मैं मुस्लिम एमपी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन खुल के बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बार नहीं कई बार धमकियां दी। हाँ, मैंने उनकी आंखों में आंखों डाल के कहा, मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज बास्टर्ड, मैंने ये कहा, मैंने कहा यू आर माई सर्वेंट बिकॉज यू आर देयर बिकॉज ऑफ मी, मैंने वोट नहीं तुम्हें दिया लेकिन मेरे टैक्स से तुम्हें जाते हैं, मैंने कहा शट अप, ठीक है। तो ये मैंने उनकी आंखों में आंखों डाल के मिनिस्टर लेवल के लोगों को कहा, नाम नहीं लेंगे, मुझे भी पता है पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन पता है आपको ये है सिचुएशन। अगला सवाल लेते हैं इससे पहले कि हम दिल के अखबार निकालें जी, टेक एंड हेल्थ टिप्स का। सर जी, व्हाट इज योर व्यू ऑन पाकिस्तान इज नाउ सेइंग दैट वन ऑफ द कंट्री प्रेशर on them to accept Israel, do you think they are misleading the people of Pakistan because if they accept them, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक रुका हुआ है और बहुत इंसिस्ट करता है, क्योंकि वो समर्दी अगर वो टर्की के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका हुआ है, बड़ा फ्रेंड बन चुका हुआ है, तो मैं कहा टर्की ही पाकिस्तान को अकल दे देगा कि इज़राइल को भाई अब तू एक्सेप्ट कर ले, शायद तेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए जैसे मैं समझता हूँ मेरा भला हो। नहीं नहीं, देखो ना, तुर्की तो उनकी एम्बेसी थी, कारोबार था, टूरिज्म था, इतना बड़ा उनका इज़राइल के साथ रिलेशनशिप था, फिर तो अकल दे सकता ना आजकल। दो साल पहले उन्होंने वो निकाला अपना एम्बेसडर वहाँ से गुस्से में आके, फिर उन्होंने इसी हफ्ते कहा कि नहीं हम फिर दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महीना पहले मैं दोहराऊंगा बात, उन्होंने यूएई को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसके साथ तल्लुक है। इतना बड़ा हिपोक्रेट कंट्री है ये टर्की का, ये जो खास तौर पर डॉक्टर साहब वहां पे ना, मैं माफी चाहता हूँ, तुर्की की जो मॉडर्निस्ट कुवतें भी है ना, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, जिन्होंने आर्मेनियन का जीनोसाइड किया था ना, वो कोई इस्लामिस्ट नहीं थे, नहीं नहीं नहीं, वो कमाल अतातुर्क पाशा के ही थे फॉलोअर्स। तुर्की को हमेशा कहा जाता रहा है कि यूरोप का ये एक बीमार मर्द है, ये एक सलाहकार जी, मतलब ये मॉडर्न जमानों में भी, तो दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। पर एक बात है कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है जी, वो प्रेशर जो था वो मुस्लिम कंट्रीज का था ना, कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट करें, आप भी ना करिए, नहीं पैलेस्टीनियन को मतलब इजराइल को एक्सेप्ट ना करो, खुद भी तो ये मुस्लिम उम्मा की आपको पता है ना किला है ना इस्लाम का, ठीक है ना, ये खुद भी तो इनको अपना खतरा था कि अगर हमने कल को एक्सेप्ट कर लिया तो जो हमने यहाँ ट्रेन किए हुए आदमी है वो हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दें। सिर्फ वही मसला नहीं डॉक्टर साहब, ये एक इनका अपना ना फैंटसी है पाकिस्तान की, हम इस्लाम का किला है,
हमने, अच्छा वो सऊदी अरेबिया भी समझता, हम केले ये भी समझते हैं, मतलब ये दोनों ही, हाँ ये बस केले ही हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है अमित भाटिया जी का है, हु कैन बी इमरान खान रिप्लेसमेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद? नहीं, ये दोनों तो मैं आपको बताता हूँ नहीं होंगे किसी सूरत भी, ये तो आर्मी के खास लोग हैं, ये तो जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें चले जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट नहीं, आर्मी खुद ही रिप्लेसमेंट है जी, इमरान खान भी आर्मी ही है और ये चला जाएगा तो भी आर्मी ही होगी और जो भी आएगा वो आर्मी का ही फ्रंट फेस होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, अगर अगर वर्ल्ड का प्रेशर पड़ा और वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस हुए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के ऊपर दोबारा डिफरेंट अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी मिलके वहाँ पर राज करें, बट लेट अस सी, यू नेवर नो, अल्टीमेटली इट इज़ द आर्मी, आर्मी एंड आर्मी, सो लॉन्ग फॉर हाउ लॉन्ग वी डोंट नो, आर्मी इज देयर। तो वो आखिर में वो पंजाबी के एक बहुत ही बड़े शायर उस्ताद दामन ने कहा था कि हर पास से फौजा ही फौजा ने, हुंटे मौजा ही मौजा ने। जी डॉक्टर साहब, आप वाइंड अप कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा जाते जाते कि न्यू ईयर आने वाला है और हम चाहते हैं कि आपने अगर अपना आपको हिस्सा नहीं बनाया टैग टीवी का तो आप ज़रूर अपने आप को टैग टीवी की फैमिली का मेंबर बनाइए, ऑफिशियल मेंबर बनाइए। ऑफिशियल मेंबर मींस कि आप डोनेशन देकर हमारे साथ मिलें और डोनेशन एक बार नहीं, कोशिश ये कीजिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है, दोज पीपल हु कैन अफोर्ड फाइनेंशियली ओनली दे शुड डोनेट अस, दोज हु कैन नॉट प्लीज वी विल कंटिन्यू दिस वर्क फॉर यू टिल वी कैन, दैट्स नंबर वन। दोज हु कैन अफोर्ड, उनको चाहिए कि दरिया दिल, एक वर्ड होता है दरिया दिल, तो दरिया दिल से फिर आप हमें डोनेशन दें ताकि ये प्रोग्राम और बढ़िया चलता रहे। इन्हीं वर्ड्स के साथ याद रखिए कि नेक्स्ट वेंसडे और उसके बाद भी वेंसडे को, यानी कि नेक्स्ट दो प्रोग्राम जो हैं वो वेंसडे को लाइव किए जाएंगे और हो सकता है कि थर्ड भी वेंसडे को लाइव हो, क्योंकि मैंने वेंसडे के बाद फिर थर्ड वेंसडे के बाद चार पांच हफ्ते की आपसे लेनी है इजाज़त जी। और ताहिर साहब आपको पता ही है कि गुरुओं के गुरु ताहिर गोरा, तो बस ठीक है ऐसे तरीके से चलते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, डोनेट डोनेट एंड डोनेट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।